एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद आप करते हैं? सेंटर का बजट भी अभी हाल ही में आया है, किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य को हमेशा से केंद्र से हमेशा मदद की उपेक्षा और अभिलाषा रहती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हम जानते हैं हर चीज़ से एक छोटा, हर पहलू से एक छोटा राज्य है, और ख़ास करके जो वर्तमान सरकार है केंद्र और प्रदेश में, वो हमेशा ये कहते आए हैं कि एक डबल इंजन की सरकार है। मगर आज जिस तरीके से जो केंद्र बजट आया, उसमें किसी भी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का ना कोई जिक्र किया गया, हिमाचल प्रदेश के लिए ना कोई पैकेज दिया गया, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे रेलवे एक्सपेंशन है, चाहे एयरपोर्ट्स की बात है, उसमें किसी भी तरीके से कोई विशेष प्रावधान प्रदेश के लिए नहीं किया गया। हाँ, ये अलग बात है कि जो अलग-अलग स्कीम्स है उसमें जो फंड एलोकेशन होना है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, निश्चित तौर से उसका फायदा प्रदेश को मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। मगर पर्टिकुलरली प्रदेश के लिए जिस तरीके से आज राष्ट्रीय नेतृत्व में, चाहे जगत प्रकाश नड्डा जी जो केंद्रीय में भाजपा के अध्यक्ष है और हिमाचल प्रदेश का जो है नेतृत्व करते हैं, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, और श्री अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित तौर से उन दोनों का केंद्र में होना और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को कुछ नाम मिलना और प्रधानमंत्री जी का ये कहना बार बार कि हिमाचल प्रदेश हमारा दूसरा घर है, तो उस परिपेक्ष में निश्चित तौर से हिमाचल के लिए ये निराशाजनक रहा है। होटल इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं वैसे ही बड़े मुश्किल समय से गुजर रही हैं, चाहे मॉरेटोरियम की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में जो है कंसेशंस की बात हो, बिजली के बिल में कंसेशंस की बात हो, टीसीपी में कंसेशंस की बात हो, हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से जो है वो बैठ चुकी है, उस पर जो यहाँ के होटल इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा जब बजट आया उसके बाद, जो है इसे निराशाजनक कहा। तो ये सब चीज़ें जो है हमको उसको देखने की आवश्यकता है, और ख़ास रूप से इसमें जो सेब के लिए हमारे बागवान किसान हैं उनके लिए जो सेस बढ़ाया गया है उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर से जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चाहे वो चाइना का सेब देश के अंदर आता है, चाहे आपके अफगानिस्तान से आता है, चाहे अमेरिका से आता है, निश्चित तौर से उस पर जो 105% उसको किया गया है, ये हमारे लिए राहत की बात है। हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि जो अच्छा कार्य किया है उसका हम स्वागत करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। मगर ओवरऑल अगर टोटैलिटी में देखा जाए तो ये निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए निराशाजनक रहा है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन अभी करी है कि 26 26 फरवरी फरवरी से विधानसभा का जो है बजट सेशन किया जाएगा, उसमें भी सबकी नज़रें जो है वो रहेगी, और निश्चित तौर से कोविड काल में वैसे ही सरकार जो है करीबन 50,000 करोड़ रुपए के ऋण में दबी हुई है, उसके परिपेक्ष में क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती है उस चीज़ का जो है अनुमान लगाया जाएगा। और निश्चित तौर से जितनी भी इन्होंने अभी तक बातें करी हैं, जैसा मैंने काफ़ी बारी हर हम वार्ता में कहते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात है, चाहे नए एयरपोर्ट बनाने की बात है, नेशनल हाईवे बनाने की बात है, आज कुछ भी जो है वर्तमान सरकार धरातल पे पूरा नहीं कर पाई है। तो निश्चित तौर से ये इनका इस सरकार का सेकेंड लास्ट बजट है, वैसे भी हमको इससे ज़्यादा उपेक्षाएँ हैं नहीं, मगर तब भी क्या सरकार करती है, पर्टिकुलरली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए प्रदेश में क्या करती है, उस चीज़ को हम जो है बारीकी से देखेंगे, और उसके बाद फिर विधानसभा की जो चर्चाएं होंगी उसमें उस उन मुद्दों को उठाया जाएगा। मगर टोटैलिटी में देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक की सरकार की कार्यप्रणाली रही है, अब मुझे लगता नहीं है कि इस बजट में कुछ ज़्यादा ये सरकार जो है वो कर पाएगी। गौतम जो इशू आप